कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने धर्मशाला में ब्लॉक कांग्रेस की बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी को कमजोर करने वाले नेता व कार्यकर्ता सहन नहीं किए जाएंगे। उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए समय रहते प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। धर्मशाला कांग्रेस की बैठक धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक व शहरी कांग्रेस के अलावा जिला कांगड़ा के कई प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने इस बैठक में शिरकत किया। तो वहीं बैठक में विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहे। कांगड़ा के विधायक पवन काजल, पूर्व विधायक यदविंदर गोमा, जगजीवन पाल, चंद्र कुमार, किशोरी लाल, पूर्व वन निगम उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, नगर निगम धर्मशाला कांग्रेस संगठन आत्मक जिला कांगड़ा और नूरपुर के पदाधिकारियों सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पार्टी को कमजोर करने वाले नेता व कार्यकर्ता सहन नहीं किए जाएंगे। धर्मशाला उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर प्रश्न पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सुधीर शर्मा पार्टी के स्थापित नेता हैं, ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक की गई है तथा अब पार्टी नेतृत्व से बात की जाएगी। उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए समय रहते प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा ने बतौर मंत्री धर्मशाला का विकास किया है, उसका लाभ उपचुनाव में अवश्य मिलेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि धर्मशाला व पछाद उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा को पटखनी देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जमीनों को बेचने का प्रयास कर रही है, जिस पर कांग्रेस मूक दर्शक नहीं रहेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए, क्योंकि पूरा विपक्ष ईवीएम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ईवीएम बनाने वाले देश भी चुनाव में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि भाजपा ही ईवीएम से चुनाव करने को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के खिलाफ सभी विपक्षी दल आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के बयान पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि वे सत्ती को बताना चाहते हैं कि 15 वर्ष तक वे भारत सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, तो जो मेरी बात होती है वे तथ्यों पर ही होती है। लेकिन मुझे जो लगता है कि अभी पार्टी के हमारे यहाँ सशक्त नेता सुधीर शर्मा जी रहे, लेकिन अंतिम जो मोहर है वो पार्टी अलग आएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरी ताकत से पूरी मजबूती के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के हर जनविरोधी जो उनका फैसला होगा उसका विरोध करेगा। सर, गुटबाजी से कैसे पार पाएंगे? पहले भी लगातार देखने में आया कि गुटबाजी जो है पार्टी में चरम पर रही है, इससे कैसे पार पाएंगे अभी? देखिए, आज की तारीख में तो ये प्रश्न अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछे तो ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिर फोटो वॉल जो है भारतीय जनता पार्टी में होगा। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आज कांग्रेस पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, आपने देखा होगा भले ही लोकसभा चुनाव में हमारी हार हो, लेकिन पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इकट्ठे एक मंच में थे। और आने वाले समय में भी हमारी यही कोशिश है कि पार्टी के सभी तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो एक मंच पर आए। अगर कोई छोटा मोटा मन मुटाव है तो हम उसको दूर करने का जो है पूरा प्रयास करें। देखिए, जिस ढंग से इस देश में अभी जो चुनाव हुए और जितने अप्रत्याशित जो रिजल्ट आए उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं लोगों में शंका है। जहाँ तक ईवीएम की बात है, मैंने ये कहा कि ईवीएम जो इस दुनिया में बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, कहीं भी जो है ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और इस वक्त जितने भी देश के विपक्षी दल हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईवीएम के बजाय जो है बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बार बार ये कह रही है कि ईवीएम से जो है चुनाव होने चाहिए। चुनाव जो है, देखिए, हम तो राष्ट्रीय स्तर पे चाह रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा केवल उपचुनाव का है या हिमाचल के चुनावों से जुड़ा मुद्दा है। आज राष्ट्रीय स्तर पे जो है एक बहस चल पड़ी है कि क्या हमको आने वाले समय में जो चुनाव है वो ईवीएम से कराने चाहिए या मतपत्र से कराने चाहिए। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि देश का विपक्ष जो है बड़ी गंभीरता से इस विषय पे विचार कर। अच्छा सर, देखिए, मैं जो भी बात करता हूँ तथ्यों से कहता हूँ। मैं सतपाल सत्ती जी को कहना चाहता हूँ कि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता रहा और मैं लगभग 15 साल जो है भारत सरकार का जो है वरिष्ठ अधिवक्ता रहा, तो मेरी जो बात होती है वो तथ्यों पर आधारित होती है। कानून को और तथ्यों को मैं उनसे ज़्यादा समझता हूँ।